पाकिस्तानी सफीर असद मजीद खान कहते हैं कि मसला कश्मीर आलमी जमीर पर एक बोझ है। मकबूजा वादी में अखलाकी सियासी इकदार पामाल हो रहा है, जो इकदाम बैनुल अक्वामी कवानीन की नफी है। अमरीका में पाकिस्तान के सफीर डॉक्टर असद मजीद खान ने कहा कि अमरीका जिन इखलाकी और सियासी इकदार की नुमाइंदगी करता है, बदकिस्मती से आज वो मकबूजा कश्मीर में पामाल की जा रही हैं। अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू देते हुए पाकिस्तान के सफीर डॉक्टर असद मजीद ने कहा कि भारत ने गुज़िश्ता साल यकतरफा इकदाम के जरिए बैनुल अक्वामी कवानीन और अक्वामे मुत्तहिदा की करारदादों की नफी की। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों को बुनियादी सहूलियात से महरूम कर दिया गया और बैरूनी दुनिया से उनका राब्ता मुनक़ता कर दिया गया है। डॉक्टर असद ने बताया कि मकबूजा कश्मीर 5 अगस्त 2019 से एक बहुत बड़ी जेल की शक्ल इख्तियार कर चुका है और भारत ने अब आबादी के तनासुब को बदलने के लिए डोमिसाइल लॉ मुतारिफ कराया, जो कि चौथे जेनेवा कन्वेंशन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। उनका कहना था कि भारत ने मक्कारी से कोरोना वबा की आड़ में मकबूजा कश्मीर में जुल्म बर्बरियत की इंतहा कर दी, तहां मसला कश्मीर आलमी जमीर पर एक बोझ है।